किंतु इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच शुरू होने में अब बेहद ही काफ़ी कम समय बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले ही कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच को जीतने के लिए भारत की पूरी तरह से ही टीम को बदल कर रख दिया है और उन्होंने इस महामुकाबले के लिए भारतीय टीम में 5-5 बड़े बदलाव कर दिए हैं, जिसको देखते हुए अब इंग्लैंड की टीम की आखिरी टेस्ट मैच में हार और भी सुनिश्चित हो चुकी है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए सब कुछ बताएं कि भारत और इंग्लैंड के बीच आखिरी टेस्ट मैच कब से शुरू होगा और दोनों टीमों की क्या प्लेइंग 11 होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप रोहित शर्मा के लिए एक बेहतरीन प्लेयर मानते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारी भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा आखिरी टेस्ट मैच जीतने के लिए पूरी तरह से टीम इंडिया को बदल कर रख दिया है, क्योंकि कप्तान का कहना है कि अब हम हर हाल में आखिरी टेस्ट महामुकाबला जीतकर इंग्लैंड की टीम को उसकी औकात याद दिलाना चाहेंगे। इसलिए इन दोनों टीमों के बीच जो आखिरी टेस्ट मैच 7 मार्च से 11 मार्च के बीच धर्मशाला में खेला जाने वाला है, वह काफ़ी कड़ा और रोमांचक होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि इस महामुकाबले के लिए चौथे टेस्ट से आराम दिए गए जसप्रीत बुमराह की भी वापसी हो चुकी है। तो वहीं इंग्लैंड की टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने भी इस महामुकाबला शुरू होने से पहले ही अपनी टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी टीम में 4 बड़े बदलाव कर दिए हैं। इसलिए बेन स्टोक्स का कहना है कि अब हम हर हाल में आखिरी टेस्ट महामुकाबला जीतना चाहेंगे। तो वहीं रोहित शर्मा ने इसी को देखते हुए हमारी भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे उम्मीद है कि वह आखिरी मैच में और भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो भाई गेंदबाजी में भी भारतीय टीम लगातार इस टेस्ट सीरीज में जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई देने रही है। तो भाई रोहित शर्मा इन 11 प्लेयरों के साथ आखिरी टेस्ट महामुकाबला जीतने के लिए मैदान पर उतरेंगे, जहां पर टीम के ओपनर बल्लेबाजों की बात करें तो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल टीम की ओपनिंग जोड़ी करने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इन दोनों खिलाड़ियों ने इस टेस्ट सीरीज में विराट कोहली और केएल राहुल की गैर मौजूदगी में जबरदस्त प्रदर्शन किया है, उसी प्रकार से उम्मीद है कि वह आखिरी टेस्ट मैच में और भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जहां पर टीम के कप्तान रोहित शर्मा लगातार कप्तानी बेहतरीन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं यशस्वी जायसवाल बल्ले से बेहद ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं तीसरे खिलाड़ी की बात की जाए तो एक बार फिर से सुमन गिल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि सुमन गिल के पास इस सीरीज में विराट कोहली की गैर मौजूदगी में अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव था और उन्होंने वैसा ही प्रदर्शन किया और लगातार भारतीय टीम के लिए इस टेस्ट सीरीज में जीत दिलाई है। तो वहीं चौथे खिलाड़ी की बात की जाए तो एक बार फिर से सरफराज खान का इस महामुकाबले में खेला जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि सरफराज खान ने भी केएल राहुल की गैर मौजूदगी में अच्छा प्रदर्शन किया और भारतीय टीम के लिए हर मुकाबले में एक शानदार और बेहतरीन जीत दिलाई है। तो वहीं पांचवें खिलाड़ी की बात की जाए तो इस महामुकाबले में रजत पाटीदार को एक और चांस दिया जा सकता है, हालांकि जिस प्रकार से उन्होंने इस टेस्ट सीरीज में बल्ले से निराश किया है, लेकिन उम्मीद है कि वह आखिरी टेस्ट मैच में जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे और टीम के लिए एक शानदार जीत दिलाएंगे। तो वहीं 6 और 7 नंबर के लिए टीम में 2 विस्फोटक धाकड़ खिलाड़ी रविंद्र जडेजा और विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि ध्रुव जुरेल जहां पर लगातार बल्ले तथा विकेट कीपरिंग से बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं रविंद्र जडेजा गेंदबाजी और बल्लेबाजी से भारतीय टीम के लिए हर मुकाबले में जीत दिला रहे हैं। तो वहीं 8 और 9 नंबर के लिए टीम के पास 2 प्रमुख स्पिनर गेंदबाज रविचंद्र अश्विन और कुलदीप यादव खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों ने अभी तक इस टेस्ट सीरीज में गेंदबाजी से लाजवाब प्रदर्शन किया, इसके अलावा यह बल्लेबाजी भी बेहतरीन कर रहे हैं। तो वहीं 10 और 11 नंबर के लिए टीम के पास 2 प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप सिंह इस महामुकाबले में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि आकाशदीप सिंह ने चौथी टेस्ट मैच में बेहद ही घातक गेंदबाजी की थी। तो वहीं जसप्रीत बुमराह की इस महामुकाबले में वापसी होने जा रही है। तो वहीं यही 11 प्लेयर आखिरी टेस्ट महामुकाबला जीतने के लिए मैदान पर उतरते हुए दिखाई दे सकते हैं।